देश में इस बार गांधी जयंती जरा हटकर मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी को नमन किया और नया मिशन शुरू किया। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी ने स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई। 5 साल का टारगेट और भारत का चप्पा चप्पा चमकदार, गांव गांव से लेकर गली गली तक स्वच्छ भारत की तस्वीर। पीएम मोदी ने बापू का क्विट इंडिया क्लीन इंडिया नारे के साथ अभियान की शुरुआत कर दी। आज हम आपको स्वच्छ भारत के इस अभियान की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, वो तस्वीरें जिनमें खुद नरेंद्र मोदी सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए। तो आइए देखते हैं ये नई गांधीगिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हाथ में झाड़ू थामकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी। तस्वीरें मंदिर मार्ग थाने की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे धूल धक्कर के बीच मोदी झाड़ू लगा रहे हैं। धूल उड़ रही है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शिद्दत से कूड़ा साफ करने में लगे हैं। अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाने पहुंचे। सफाई कर्मचारियों के साथ मोदी ने झाड़ू लेकर वाल्मीकि बस्ती की सफाई की। सबसे बड़े लोकतंत्र के राजा के हाथ में झाड़ू लिए ये तस्वीरें भी इतिहास में दर्ज हो गईं। बापू के देश में बापू के जन्मदिन पर मोदी की सफाईगिरी को दुनिया देख रही है। वाल्मीकि बस्ती में मोदी ने न सिर्फ झाड़ू लगाई बल्कि कूड़ा भी उठाया। बस्ती के लोगों के बीच मोदी की ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि कैसे मोदी कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल रहे हैं। देश भर में स्वच्छ भारत के मिशन की शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी की समाधि पर जाकर बापू को नमन किया। राजघाट पर आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। जिस वक्त नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे वहां सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पहले से ही मौजूद थे। राजघाट से प्रधानमंत्री मोदी सीधे राजपथ पहुंचे और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए देश को शपथ दिलाई। मोदी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति साल में 100 घंटे श्रमदान करे और सप्ताह में 2 घंटे, यकीनन भारत चमक जाएगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। राजपथ से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि अगले 5 साल में हम देश को स्वच्छ बनाएं। मोदी ने कहा कि सब अगले 5 साल में गांव गांव गली गली शहर शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लें। मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो उनके साथ मंच को साझा किया बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने। हम आपको बता दें कि राजपथ पर मोदी के साथ आमिर खान के अलावा वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। राजपथ पर प्रधानमंत्री ने ध्वज लहराया और स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो गया। 5 साल में भारत को चमकाने दमकाने के लिए राजपथ पर ही सैकड़ों लोग मोदी के साथ जुड़ गए। इस मिशन के तहत मोदी ने पदयात्रा भी की जो रफी मार्ग होते हुए वापस इंडिया गेट के चिल्ड्रन पार्क पर खत्म हुई। वाल्मीकि बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ू थामी तो उनके साथ साथ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी सफाई में सहयोग किया। जी हाँ, मीनाक्षी लेखी ने भी वाल्मीकि बस्ती को साफ किया। वाल्मीकि बस्ती में मोदी ने बच्चों को सफाई गिरी का ऑटोग्राफ भी दिया। ये खुशी का मौका था, खुद प्रधानमंत्री झाड़ू लगाने पहुंचे थे, ऐसे में बच्चों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। तोहफे में उन्हें मिला टोपी पर ऑटोग्राफ। मंदिर मार्ग पुलिस थाने पर खुद पीएम मोदी ने झाड़ू लगाई तो मोदी के जाने के बाद सिपाही से लेकर हवलदार तक, दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक पूरा थाना जैसे सफाई में जुट गया। अब पुलिस की सफाई की कहानी देखिए, अब ये वाकई सफाई गिरी थी या कुछ और? लेकिन पुलिस ने थाने का कूड़ा उठाने में ऐसी फुर्ती दिखाई कि फिर तो पुलिस जिप्सी में ही कूड़ा भरने लगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मंदिर मार्ग थाने का मंजर कुछ ऐसा था कि शवों को ले जाने वाली आपातकालीन वैन में भी पुलिस वालों ने कूड़ा भर डाला। मोदी ने थाने में झाड़ू क्या लगाई, थाने में खड़े वाहनों पर भी पानी की बौछारें बरसने लगी। जी हाँ, थाने में खड़ी बाइक और कारों को भी धोना शुरू कर दिया गया। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से कैलाश खेर, प्रसून जोशी भी जुड़े। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में प्रसून जोशी के लिखे गीत को कैलाश खेर ने बुलंद आवाज में गाया। आंगन
मोदी के मिशन स्वच्छ भारत में कैबिनेट ने भी भागीदारी निभाई। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने झाड़ू लगाई तो बीजेपी नेता विजय गोयल भी इस अभियान से जुड़े। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जीआरपी से लेकर रेलवे कर्मचारियों ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। राजनाथ ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया, उसके बाद झाड़ू लगाई और फिर लोगों को भारत को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई। चुनाव की तैयारियों में जुटे महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर सफाई अभियान में जुट गए। फडणवीस ने नागपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाई। बीजेपी नेता विनोद तावड़े और सांसद गोपाल शेट्टी ने मुंबई में बोरीवली के जॉगर्स पार्क में झाड़ू लगाई। साथ ही निजी कंपनियों के लोगों ने स्वच्छ अभियान से जुड़कर सफाई गिरी को आगे बढ़ाया। राजपथ में मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर आमिर खान के साथ नजर आए बीजेपी के नए नवेले सांसद मनोज तिवारी। पीएम मोदी ने गांधी दिवस पर सफाई गिरी की शुरुआत की, जो अरविंद केजरीवाल भी इस अभियान से जुड़ गए। केजरीवाल ने 7 आरसीआर के सामने बीआर कैंप में सफाई अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सफाई अभियान के तहत बीआर कैंप का नाला साफ किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे केजरीवाल गंदगी को साफ करने में जुटे हैं। सफाई करना किसी एक जात के लोगों का काम नहीं है, सफाई करना सारे जात और सारे धर्म के लोगों का काम है। और दूसरी चीज ये कि सफाई करना एक सम्मानजनक काम है, ये कोई वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ आपके नेता आशुतोष ने भी सफाई अभियान में भागीदारी निभाई। आशुतोष ने भी बीआर कैंप की नाली को साफ किया। दिल्ली के बीआर कैंप में सफाई के बाद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को चाय पिलाई, केजरीवाल ने नाश्ता भी किया, सबने पराठा खाया। बीजेपी दफ्तर में तमाम बीजेपी के नेताओं ने झाड़ू थाम ली और पार्टी हेडक्वार्टर के पार्क को चमकाने में जुट गए। पार्टी दफ्तर के भीतर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने झाड़ू लगाई तो उनके साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी स्वच्छ भारत अभियान में जुट गए। गांधी दिवस पर मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो बीजेपी दफ्तर चमचमा गया। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने झाड़ू लगाई और सफाई का शिष्टाचार भी दिखाया। बीजेपी मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ता गार्डन को चमकाने में जुटे तो महिला कार्यकर्ताओं ने भी सलीके से झाड़ू संभाली और सफाईगिरी दिखा दी। पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर में नेता ले गए सफाई कर्मचारियों की झाड़ू। जी हां, खाली हाथ बैठे रहे सफाई कर्मचारी, कई जगह देखी गई झाड़ू की कमी। सेना की सफाईगिरी से सुपर हीरो की सफाईगिरी तक, गांधी दिवस पर स्वच्छ अभियान की 20 और खास तस्वीरें। सफाई में सेना जुट गई तो पुलिस भी पुलिसगिरी को छोड़कर सफाईगिरी में लग गई। गांधी जयंती पर हर कोई स्वच्छ भारत की सौगंध ले चुका है। चमचमा उठे स्टेशन भी, अब अगली 10 तस्वीरें देखिए। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सेना का साथ भी मिला। जी हां, नेवी चीफ आर के धवन ने झाड़ू लगाई और यह भी कहा कि नेवी के जवान सफाई अभियान में सरकार के साथ हैं। नोएडा में इंडियन ऑयल अधिकारियों और कर्मचारियों ने सेक्टर 14 के पेट्रोल पंप पर सफाई अभियान चलाया। हम आपको बता दें कि देश भर के 1,500 पेट्रोल पंप पर इंडियन ऑयल इस अभियान को जारी रखेगा। जम्मू के मुबारकपुर मंडी इलाके में जनता और नेताओं ने मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने का जिम्मा उठाया और इलाके को झाड़ू से चमकाया। जम्मू स्टेशन को साफ करने का जिम्मा लिया जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने सफाई गिरी दिखाई तो ये भी कहा कि 125 करोड़ इस अभियान में जुट जाएं तो देश की काया पलट ही हो जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस वाले पुलिस गिरी छोड़कर सफाई गिरी में लग गए। मध्य प्रदेश के गवर्नर ने भी झाड़ू लगाई। मुंबई में रेल अधिकारी खुद प्लेटफॉर्म पर सफाई करने जुट गए। यहां सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया, प्लेटफॉर्म का चप्पा चप्पा साफ किया गया। मुंबई की ये तस्वीर भी देखिए, यहां सफाई कर्मियों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत ट्रेनिंग दी गई। गांधी जयंती पर सफाई का भोंपू भी बजा। रेलवे स्टेशन पर साफ करने के होर्डिंग लगाए गए तो ये ऐलान भी हुआ कि सफाई अभियान को आगे भी कामयाब बनाएं।
तस्वीर मुंबई के वर्सोवा स्टेशन की है। आप देख सकते हैं पूनम महाजन भी सफाई अभियान में रेल अधिकारियों के साथ नजर आईं। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर बच्चों के हाथ में कूड़ेदान दिखा तो जुबान पर गांधी जी अमर रहे के नारे। सुपरमैन और शोमैन की सफाईगिरी, अभी बाकी है स्वच्छ अभियान की 10 और तस्वीरें। प्रधानमंत्री हो या मंत्री, सुपरस्टार हो या आम जनता, स्वच्छ भारत को सबने अपनाया। तो आइए देखते हैं मोदी के मिशन 2019 की 10 और तस्वीरें। सफाई के इन होर्डिंग के साथ वेस्टर्न रेलवे मुंबई ने अभियान को और भी बड़ा बना दिया। जी हाँ, रेलवे मंडल के सभी 23,000 कर्मचारी और अधिकारी मिलकर सफाईगिरी में जुटे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में शुरू किया सफाई अभियान, कहा देश झाड़ू लगाकर गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दे रहा है सच्ची श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई। आडवाणी जी ने शपथ में कहा कि ना गंदगी करूंगा ना गंदगी करने दूंगा। भारत को स्वच्छ रखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने लोगों को कूड़ेदान भी दिए और सफाई अभियान से जुड़ने के लिए कहा। बॉलीवुड के सुपर हीरो फुटपाथ पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की। भारत को स्वच्छ बनाने में ऋतिक ने भी अपनी सफाईगिरी दिखाई। बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन ने पेड़ों में पानी भी डाला और मिट्टी भी, यानी ऋतिक ने स्वच्छ भारत के लिए हरियाली का रास्ता भी दिखाया। बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई ने भी गांधी दिवस पर झाड़ू थाम ली और देश को क्लीन रखने की कसम ली। पीएम मोदी के सफाई अभियान में जावेद अख्तर साहब भी शरीक हुए। जावेद अख्तर ने दीवारों की गंदगी साफ की। टीवी सीरियल तारक मेहता की पूरी टीम भी सफाई अभियान में करेगी मदद, कहा देश के लिए काम आना गर्व की बात। बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से हम लोग एकदम तैयार है स्वच्छता अभियान के लिए। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने हरिद्वार में चलाया सफाई अभियान, कहा बाबा रामदेव को प्रधानमंत्री ने जो सौंपी है जिम्मेदारी उसके लिए पूरे देश में चलाएंगे अभियान। उम्मीद है ये मिशन लोगों की आदत में शुमार हो जाए।